इस रमजान मैं और समी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। हम सजाएंगे एक ऐसी पुरनूर महफिल जहां आप सुनेंगे हमदे बारी ताला और नाज शरीफ। तुम सोचते ही रहना, अगर 6 महीने पहले तुमने मेरी बात सुन ली होती तो आज मेरे पास मेरी बुटीक भी होती और रेस्टोरेंट भी होता। लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात नहीं सुनी थी क्योंकि आप इस स्टूपिड म्यूजिक एक्सरसाइज से बाहर ही नहीं निकलते। मैं हूं ऐसम खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में पीटीवी की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का अस्तगफार। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर, ये क्या बात हुई? नहीं, नहीं। ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब, आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं। अगर मगर मेरी बहन ने ये किया, मेरी बहन ने वो किया। और अब हमारा और आपका साथ रहेगा रौनक रमजान की ट्रांसमिशन इस पूरे महीने में। तो जनाब देखना मत भूलिएगा आप 1 बजे से 3 बजे तक, मैं रहूंगी आपके साथ और रहेंगी मेरी और आपकी ढेर सारी बातें, और वो बातें जिन पे हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन सही बंदा ढूंढ रहे होते हैं। रमजान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। नाज़रीन, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमजान शुरू हो चुका है और आज पहला रोजा है। इस बार रमजान गर्म मौसम में आया है लेकिन इसके बावजूद बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई रोजे से है, और किसी की ख्वाहिश है कि वो इस बार बरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की रहमतों को समेट ले। इस महीने एक दूसरे का साथ दें, मोहब्बतों को आम कर दें, क्योंकि इश्क है रमजान। दिल फकीर कर दिए हुआ है, रब ही जाने इसे क्या हुआ है। सबके लिए पैगाम है रमजान, इश्क है रब की रजा पे जान भी कुर्बान, इश्क है। मस्जिदें मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो आज हमारी गुफ्तगू तो ज्यादा है, जितने चैनल चल रहे हैं ये माहिर से आम आएगा तो कैसे कैसे निकलेंगे दीन सिखाने वाले। अब तो सारा साल जो लोगों को डांस सिखाते हैं रमजान में, वो दीन सिखाने आ जाते हैं। और कैसे कैसे रूप और कैसे कैसे चेहरे जो हैं वो मीडिया के ऊपर बैठे हैं, वो सारे दीन सिखा रहे होते हैं लेकिन कोई एक भी नहीं सीख पाता। इसलिए कि दीन लफ्जों से नहीं सिखाया जाता, दीन अमल से सिखाया जाता है। मेरे और आपके आका और मौला की जाहरी जिंदगी इस दुनिया के ऊपर जो हुजूर गुजार के गए हैं कितनी है? 63 साल। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया। यार किसी की जिम्मेदारी है पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम गालिब करना। हुजूर का यही काम था ना, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को गालिब करने के लिए आए थे। और तेजी के साथ वक्त गुजर रहा है, 40 साल गुजर गए, अभी तक दावत दीन ही नहीं दी, ऐलान ही नहीं किया। कहा महबूब 40 साल तक तेरे किरदार का सहर इनके सीनों में, इनकी रूहों में उतर जाए, फिर आप बोलेंगे तो फिर किरदार की चमक और रोशनी इतनी होगी तेरी बात का इनकार नहीं कर सकेंगे। तो 40 साल तक हुजूर के किरदार की चमक लोगों को जो है वो अपनी तरफ बुलाती रही, और फिर 40 साल के बाद हुजूर ने जो है वो कोहे सफा पे सबको बुलाया और बुला के कहा लोगों अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ की दूसरी जानब से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा नजर ना भी आया तो कहेंगे हम अंधे हैं, तुम सच्चे हो। तो कहा मेरी सच्चाई पे इतना यकीन है तो फिर मान लो अल्लाह एक है। तो ये किरदार था जिसने लोगों को मानने पे मजबूर कर दिया।